बिहार के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप एक ऐसे YouTube चैनल पे पहुंच चुके हैं जहां पर ना सिर्फ टॉप 10 कॉलेज का नाम ही बताया जाता है बल्कि टॉप 10 कॉलेज के बारे में पूरी पूरी जानकारी काफी डिटेल में दी जाती है। और आज के इस वीडियो में हम काफी डिटेल में जानेंगे पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है GPG कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुलजार बाग। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों पटना का सबसे पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यह कॉलेज SBTE द्वारा एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, जैसा कि यह एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसलिए यहाँ से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा के 8 ब्रांच है। इस कॉलेज के बाद पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिस्ट में 2 नंबर पे आता है NGP कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। यह कॉलेज दोस्तों पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में तथा इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। यह कॉलेज SBTE पटना से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में डिप्लोमा के 6 ब्रांच है। इस कॉलेज में दोस्तों बच्चों को प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ पे 60-70% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 7 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 2 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिस्ट में 3 नंबर पे आता है सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज गौरीचक में है। यह कॉलेज भी दोस्तों SBTE पटना से ही एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, यह एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसलिए यहाँ से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा के 5 ब्रांच है। इस कॉलेज के बाद पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिस्ट में 4 नंबर पे आता है गवर्नमेंट ओमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 ईस्वी में। यह कॉलेज भी SBTE पटना से ही एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, जैसा कि यह एक ओमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसलिए यहाँ पर सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है। यहाँ से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा के 6 ब्रांच है। इस कॉलेज के बाद दोस्तों पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिस्ट में 5 नंबर पे आता है NSIT कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। वैसे तो दोस्तों इस कॉलेज से आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं लेकिन इंजीनियरिंग में यहाँ से आप BTech और डिप्लोमा में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर BTech के 5 ब्रांच है तथा डिप्लोमा के 3 ब्रांच है। इस कॉलेज में दोस्तों 30-40% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 15 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 3 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिस्ट में 6 नंबर पे आता है RP शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। यह कॉलेज भी AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यह कॉलेज भी दोस्तों पॉलिटेक्निक के लिए बेस्ट कॉलेज है। यहाँ से आप BTech और डिप्लोमा में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर BTech के 5 ब्रांच है तथा डिप्लोमा के 2 ब्रांच है। इस कॉलेज में भी लगभग 30-40% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 7 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 2 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिस्ट में 7 नंबर पे आता है मदर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 2018 ईस्वी। यह कॉलेज भी दोस्तों AKU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यह कॉलेज भी दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ से आप BTech और डिप्लोमा में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर BTech के
4 ब्रांच है तथा डिप्लोमा के 2 ब्रांच है। इस कॉलेज के बाद पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिस्ट में 8 नंबर पे आता है टूल रूम्स एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना। यह कॉलेज दोस्तों EKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है और NCVT द्वारा भी अप्रूव्ड है। दोस्तों वैसे तो यह एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर आप बहुत सारा वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं, लेकिन यहां से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी कोर्स कर सकते हैं। यह कॉलेज पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया में। इस कॉलेज में भी लगभग दोस्तों सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 6 लाख रुपीज जबकि एवरेज पैकेज है 2 लाख रुपीज। दोस्तों यह है पटना के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ से अगर आप कोई भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं और दूसरा ये कॉलेज आपको अच्छा जॉब प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।